एक शर्त जो है वो इमरान खान साहब को मैं भी पेश करता हूं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे चलना छोड़ दें, वो अवामी सियासत करें, वो इस मुल्क की सियासत करें। इस वक्त तक जो उन्होंने किया है, ये जलसे से लेके तमाम धरनों तक, ये उन्होंने बाकायदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर किया है। हमारे पास इस बात के सबूत मौजूद है। प्रेजिडेंट हाउस का, जिसमें एक इंतहाई करप्ट आदमी बैठा है, जो रेलवे डूब रहा है उसको कोई फिक्र नहीं है, पीआईए डूब रहा है उसको कोई फिक्र नहीं है, स्टील मिल तबाह होगी उसको कोई फिक्र नहीं है, तो वो आदमी जो वहां पे बैठ के इस किस्म की करप्शन को मैनेज कर रहा है, जो इस मुल्क को तबाह कर रही है, तो उसका ग्राव भी हो सकता है। माशाल्लाह, इमरान खान ने जो वो एक जश्न किया और एक जो है महफिल सजाई, मैं समझता हूं उससे वो पंजाबी के अंदर ठंड पै गई होनी है, साढ़े पंजाब वाले दोस्तों ने उन्होंने ठंड पै गई होनी है। मेरे ख्याल में अब ये हमारे खिलाफ जो असल ऑपोजिशन होगी वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ होगी। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत नीचे चली गई है।